सी बेसिक्स इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। देखेंगे सी के बेसिक चैप्टर्स, यहाँ कुछ प्रोग्राम्स दिया गया है तो उस प्रोग्राम्स के आउटपुट क्या आते हैं। तो ये इज इक्वल टू, देखिए ये इज इक्वल, ये में टू चले गया, असाइन हो गया है। यहाँ बी इज इक्वल 010, जो नंबर जीरो से स्टार्ट करते हैं वो होगा इंटीजर ही होगा, मगर ऑक्टल इंटीजर होगा। ऑक्टल इंटीजर में 10, जीरो से स्टार्ट हुआ है, बस नंबर यही है 10। ऑक्टल में 10, डिसिमल में होता है 8। क्यों होता है तो आप दिखाता हूं मैं आपको। ये डिसिमल नंबर्स है जो हम रेगुलर मैथमेटिक्स में जो यूज करते हैं, इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट होंगे। डिजिट इसके अंदर अवेलेबल डिजिट 10 डिजिट है, 0 to 9, इसलिए इसका नाम आया डिसिमल। 9 के बाद इसमें डिजिट नहीं है, 10 फिर दोबारा रिपीट होते हैं डिजिट। तो 1011, मगर ऑक्टल नंबर यहां दिखाई दे रहा है आपको, ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर में 7 के बाद डिजिट नहीं है, तो 0 से लेकर 7 तक ही डिजिट है, माने कि 8 डिजिट है, इसलिए ऑक्टल बोला गया है इसको। 7 के बाद वो 10 स्टार्ट होता है। ऑक्टल के अंदर 10 का मतलब डिसिमल में 80 होता है। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, डिसिमल इंटीजर है, ये ऑक्टल इंटीजर है। ये ऑक्टल कहाँ काम आएगा, हेक्साडेसिमल कहाँ काम आएगा, ये वो टॉपिक में अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ पे इसका आउटपुट आप फाइंड करिए। तो ये 10 का मतलब 8 है डिसिमल का। अब हेक्साडेसिमल 01 से स्टार्ट हुआ, मतलब वो हेक्साडेसिमल इंटीजर है। पूरे इंटीजर 3 तरह के हैं। 10 मतलब 16, क्योंकि उसमें 15 डिजिट है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक डिजिट है, 9 के बाद भी इसमें डिजिट है, इसे 10 पढ़ेंगे हम। तो डिसिमल में 10 जो लिखा जाता है, हेक्सा में उसे ये लिखा जाता है, ये बी सी डी। डी माने हमारे को जो डिसिमल में हम जो 13 लिखते हैं वो 13 का बराबर है। EF 15 है, 15 के बाद डिजिट नहीं है, टोटल 16 डिजिट है इसके अंदर, 0 से लेकर 15 16 डिजिट होते हैं, 16 के बाद डिजिट नहीं है। तो अब यहाँ रिपीट होना शुरू होगा 10 मतलब कि हमें डिसिमल में वो 16 है, हेक्सा का 10 डिसिमल में होगा 16, तो वही यहाँ लिखा गया है। देखिए ये 16 हेक्सा का 10, 01 से स्टार्ट हुआ मतलब वो हेक्सा है, 10 का ही हिसाब लेंगे, ये सब स्टार्ट हुआ है बस 01 से। अब इसमें ए प्लस बी क्या होगा, ए में 2 है, बी में 10 है, ऑक्टल का 10 होगा, डिसिमल के हिसाब से देखेंगे वो क्या होगा, डिसिमल के हिसाब से देखेंगे तो वो 8 है, 2 + 8 10 आ गया, तो इसके अंदर 10 आके प्रिंट हो जाएगा। और ये क्या होगा, ए प्लस सी, ए में 2 है, 10 हेक्सा का 10 मतलब डिसिमल में क्या होगा 16 होगा, 16 + 2 18 हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट हो गया 18। अब हम प्रिंट करेंगे, R1 के जगह प्रिंट होगा 10, R2 के जगह प्रिंट होगा 18। अब देखते हैं दूसरा प्रोग्राम का आउटपुट। अब देखेंगे यहाँ पे ए में मैं 234 दिया, देखिए ए में 234 दिया, ए में 234 देने के बाद अब यहाँ देखेंगे मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, इसे बोलते हैं मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर, ये रिमाइंडर देता है। ए में जो नंबर है 234 को इसे 10 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या मिलता है आपको, वो मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर 4। कभी भी कोई भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करते हो, जो लास्ट डिजिट यहाँ दिखाई दे रहा है वही आएगा रिमाइंडर में, जो इसका लास्ट डिजिट क्या है 4। 4 किस में आया, R1 में आया 4, क्योंकि अब यहाँ देख सकते हैं 2, यहाँ 10 से डिवाइड कर रहे हैं 234 को, 10 to 23 जा 230 चल जाएगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बी में क्या है, 2A का मतलब 42, हेक्साडेसिमल का 2A 42 होता, कैसा बताते हैं कि डिसिमल में 20 मतलब 2 टेंस, यहाँ 2 मतलब फर्स्ट 2 10, 2 का मतलब क्या है 2 16s, 16 डिजिट है उसके अंदर, 16 + 16 क्या 32 प्लस ये का मतलब ये डिजिट क्या है, ये 10 होता है, ये माने 10 होता है डिसिमल में, 32 + 42 हो गया। अब इस नंबर को 16 से जब डिवाइड करेंगे हम, ये नंबर 42 को देख लो एक बार, 42 को 16 से डिवाइड, 16 2 जा, ये क्वेश्चन में आता 2 जा, 16 2 जा चल जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा, ये तो इसमें ये आ गया, तो ये का मतलब क्या है, तो हम यही बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो इसे 10 से डिवाइड करो, लास्ट डिजिट आपको मिल जाएगा रिमाइंडर में, इसे 16 से डिवाइड करो, इसका लास्ट डिजिट मिल जाएगा आपको एज ए रिमाइंडर। तो आप प्रिंट करेंगे तो ये 4 प्रिंट होगा, इसके जगह में 10 प्रिंट होगा, क्योंकि ये को डिसिमल में प्रिंट होगा तो वो 10 प्रिंट होगा इसका, ये 10 होगा यहाँ, या नहीं इसे डिसिमल में देखना चाहते हैं आप, ये
ऐसा ही आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स लगा के स्पेसिफायर, हाँ एक्स स्पेसिफायर लगा के वो भी प्रिंट करके देख सकते हैं। थैंक यू।